उस बात को अगर तुम सचमुच कानून में लिख देते तो मैं विरोध ना करता। ये जो चार लफ्ज बोले पड़ोसी देशों से धार्मिक अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित होके आ रहे हैं उनको हम शरण देंगे, इनमें से पहले तीन शब्द उस कानून में कहीं नहीं लिखे हुए। आपका भी कोई मुकाबला हो जाए, टकराट हो जाए, बातचीत हो जाए, डिस्कशन हो जाए, तो आप इन बीजेपी आरएसएस वालों से बड़े साधारण से पूछ लेना, भैया तुम सीए के पक्ष में बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये बताओ उसमें पड़ोस शब्द लिखा हुआ है क्या उस कानून में? वो बगले झांकेंगे क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। पूछना कि धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द लिखा हुआ है क्या उस कानून में? नहीं लिखा हुआ। पूछना प्रताड़ित शब्द उस कानून में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। फिर आप उनको कहना जो मैं उन्हें कहता हूं कि भाई आप मेरी मत मानो, कोई बात नहीं, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप इस मंच पे बैठे हुए लोगों की बात ना मानो, कोई बात नहीं, आप स्वामी विवेकानंद की बात तो मानोगे। याद कीजिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, हम सब स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं, 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, सम्मेलन था, जैसे हमारे धर्म गुरु बैठे हैं वैसे वहां पूरे दुनिया के धर्म गुरु आए हुए थे, स्वामी विवेकानंद ने एक महान भाषण दिया था, उसमें क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था मुझे भारतीय होने में गर्व है क्योंकि मैं ऐसे जगह से आया हूं, मैं उस धरती से आया हूं जिसने दुनिया में जिसने भी शरण मांगी उसको हमने शरण दी है, शरण देते वक्त किसी का देश नहीं पूछा, किसी का धर्म नहीं पूछा। ये मेरे लफ्ज नहीं है, स्वामी विवेकानंद के आज से 100-100 साल पहले बोला था उन्होंने। क्या कहा था कि जब आपके घर पे कोई दरवाजा खटखटाए कहे कि मुझे पनाह चाहिए, आप उसका जात धर्म नहीं पूछते, बिना पूछे आप कहते हो ठीक है तुम मेरे घर आए हो, आ जाओ मैं तुम्हें पनाह दूंगा, मैं अपना दिल खोलूंगा, मैं अपना दरवाजा खोलूंगा, मैं तुम्हें पनाह दूंगा। और मैं बीजेपी वालों को कहता हूं मेरे दोस्त, अगर तुमने ये कानून बना दिया होता तो मैं पहला शख्स होता जो मंच पे खड़े होकर सलाम करता तुम्हें, और ये सभा सीए के खिलाफ नहीं, सीए के हक में करवाते हैं अगर तुमने ये कानून बनाया होता। लेकिन सच्चाई क्या है, इन्होंने कानून बनाया है जो ये कहता है वही तो सवाल पूछता है जो स्वामी विवेकानंद ने मनाही की थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, देश नहीं पूछना, धर्म नहीं पूछना। और ये सीएए कानून कहता है कि आप मेरे देश में आओगे, दरवाजा खटखटाओगे, दरवाजा खोलते ही मैं पूछूंगा किस देश से हो, श्रीलंका से हो वापस जाओ, पाकिस्तान से हो कहीं मुसलमान तो नहीं हो, मुसलमान हो तो वापस जाओ पर पाकिस्तान का हिंदू सिख हो तो आ जाओ, नेपाल से हो वापस जाओ, बांग्लादेश से हो मुसलमान तो नहीं हो अगर हिंदू सिख हो तो आ जाओ। यानी कि जिन दो चीजों की स्वामी लेना, ये खेल सबसे छोटी उंगली से शुरू होगा और आखिर में अंगूठे में जाके खत्म होगा। छोटी उंगली का मतलब एनपीआर, ये पहली छोटी उंगली एनपीआर की है। अप्रैल के महीने में आपके घर में कोई आएगा, कोई सरकारी मुलाजिम आएगा, अमूमन स्कूल के टीचर होते हैं, आपके पड़ोस के स्कूल के टीचर कोई मैडम आएंगी और कहेंगी हमें आपके घर में कितने लोग हैं, बस उनकी गिनती करनी है। शुरू में कह देंगे हमें कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, हमें आपके कोई कागज चेक नहीं करने, आप चिंता मत करो, बहुत मामूली सा काम है, हमें सिर्फ आपके घर में कितने लोग हैं गिनती करनी है, आप हमें नाम बता दीजिए, उम्र कितनी है बता दीजिए, कहां पैदाइश हुई है वो बता दीजिए, और हां आपके माता कहां पैदा हुई, आपके पिताजी कहां पैदा हुए, अप्पा अम्मी कहां पैदा हुए ये भी बता दीजिए, कब पैदा हुए ये भी बता दीजिए, पर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड उसका बता दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दे दीजिए, हर शख्स का अलग अलग पूछें, कागज नहीं मांगेंगे,
सिर्फ ये ब्यौरा कागज पे नोट करके ले जाएंगे। महिलाओं को अलग से देना होगा, हर एक की पूरी जानकारी नोट की जाएगी। हम सोचेंगे कोई बात नहीं, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। उसके बाद दूसरी उंगली पर मामला जाएगा, दूसरी उंगली थोड़ी सी बड़ी है, ये उंगली है डी वाली उंगली। डी का चक्कर क्या है? आपके मोहल्ले से सारे नाम जब लिख के लेके जाएंगे, उसके बाद चुपचाप से तलाटी के ऑफिस में, तहसीलदार के दफ्तर में, कलेक्टर के दफ्तर में जाके कुछ नामों के आगे डी लिख दिया जाएगा, अंग्रेजी का डी। डी का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब शक, जिस पर शक है, संदेह है। किस बात का शक है? कि आप भारत के नागरिक नहीं। भाई तुम्हें कैसे शक हो गया? मैंने तो अपने सारी मालूमात दिए, तुम्हें कैसे शक हो गया? कोई नहीं बताया। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि तहसीलदार कलेक्टर किस आधार पे आप पे शक कर सकता है। शक इस आधार पे कर सकता है कि आप नहीं बता पाए कि मेरी मां कहां पैदा हुई थी। सच बात बताऊं, मैं खुद नहीं बता सकता ये। मैं बहुत पढ़े लिखे परिवार से आया हूं, मेरी मां टीचर रही है स्कूल की, मेरे पिताजी कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि मेरी मां कहां पैदा हुई थी। बाकी लोगों से तो मैं क्या उम्मीद करूं कि बाकी दुनिया क्या बताएगी। तो हो सकता है आप ये ना बता पाए, हो सकता है कोई घुमंतू समाज का मेरा साथी हो, जो आज यहां कल वहां, जिसके पास कोई कागज होते ही नहीं है। हमारे घुमंतू समाज के पास कहां से कागज आएंगे? हो सकता है वो कोई रिक्शा चलाने वाला शख्स हो, जिसको पता भी नहीं कि कल सुबह खाना कहां से मिलेगा। उससे पूछिए कि वो अपना ये बताए, कागज बताए, सारी डिटेल्स बताए, उसको क्या पता होगा। हो सकता है कोई बुजुर्ग औरत ये ना बता पाई कि उसकी शादी कब हुई है। सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, किसी भी आधार पर अफसर आपके ऊपर शक कर सकता है, डी लगा सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनके पास तो इतना जादू है कि वो कपड़ों से ही पहचान लेते हैं। तो हो सकता है अफसर आपको कपड़ों से पहचान ले कि भाई डी वाले कौन है और कौन बगैर डी वाले। यही नहीं, कोई पड़ोसी आपके खिलाफ शिकायत भी कर सकता है। कोई भी शख्स आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है कि मेरे ख्याल से ये भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी है, इनकी जांच की जाए। तो उनको हो जाएगा डी। तो ये दूसरी है डी वाली उंगली। तीसरी उंगली मोटी उंगली है, ज्यादा ताकतवर उंगली है, ये एनआरसी वाली उंगली है। यानी कि जिन नामों के आगे डी लिखा जाएगा, उनको चिट्ठी भेजी जाएगी, उनको नोटिस जाएगा कि अब आप साबित करो कि आप भारत के नागरिक हो। अब जिम्मेवारी आप पे आ गई। आप भाग के अपने पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी ने कहा नहीं नहीं मुझे नोटिस नहीं आया, तेरी प्रॉब्लम है, तू निपट ले। अब वो अकेला हो जाए। आपके मोहल्ले से हजार लोगों का नाम नोट करके लेके गए, हो सकता है 30-40 के नाम नोटिस आ जाए। मैं नहीं जानता 30-40 के नाम आएगा, 300-400 के नाम आएगा, 3-4 के नाम आएगा, कोई पता नहीं, लेकिन नोटिस आएगा। और जिसके पास नोटिस आएगा, उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। अब मैं सोचता हूं आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, मेरी तो जेब में आधार कार्ड है। आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, वो कहेंगे मियां आधार कार्ड अपनी जेब में रख लो, क्योंकि आधार कार्ड से सिर्फ इतना साबित होता है कि आपका चेहरा और आपका नाम एक दूसरे से मैच होता है, बस। इससे फालतू आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है, इसमें जो एड्रेस लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे मेरे पास राशन कार्ड है, वो कहेंगे राशन कार्ड मान्य नहीं है सर। इज इट माय गोल इज टू एलिमिनेट मैथमेटिक्स फोबिया सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न मैथमेटिक्स विद फन एंड क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जाम इन मैथमेटिक्स। I believe learning mathematics is fun. Come and experience at Anis Classes. Anis Classes, where maths is fun.
नमस्कार, मी अनिस मोमीन. आपण पाहत आहात तेज वार्ता न्यूज वेब चॅनल. आपल्या परिसरातील ताज्या घटना, चालू घडामोडींचे व्हिडिओ वृत्त पाहण्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा.